नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपग्ये। आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूँ मासिक राशिफल के विषय में। और ये जो मासिक राशिफल है सितंबर 2021 से संबंधित है, यानी के सितंबर 2021। और मेष राशि से लेकर के हम मीन राशि तक सभी राशियों के जो जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि सितंबर का महीना उनके लिए क्या लेकर के आ रहा है। और अगर कोई किसी भी राशि में कोई तकलीफ है, कष्ट है, परेशानियां हैं, तो साथ में उसका उपाय भी आपको बहुत ही सरल उपाय देंगे, जो कि हम राशिफल के अंत में बताया करते हैं, वो भी आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको उसकी भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और अगर उन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपका महीना बहुत ही आराम से, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से निकल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम आपके साथ राशिफल की चर्चा करें, आइए सिर्फ जो ये महीना जो सितंबर का है, इसमें गोचर में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, पहले आइए इसके विषय में बात कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, सूर्य जो हैं वो 16 सितंबर दिन गुरुवार को रात्रि 1:13 पर अपनी स्वयं की राशि सिंह से निकलेंगे और अपनी सम राशि कन्या में इनका प्रवेश होगा, जहां पर इनकी युति अपने मित्र ग्रह मंगल के साथ होगी और माह के अंत तक ये बनी रहेगी इनके साथ युति मंगल के साथ सूर्य की, तथा अपने सम ग्रह बुध के साथ भी इनकी युति बनेगी इसी कन्या राशि में, जो कि बुध की राशि है। और यहां पर बड़ा अच्छा राजयोग का निर्माण करेंगे सूर्य इनके साथ आकर के। और ये युति जो है 22 सितंबर तक बनेगी, बहुत कम समय तक के लिए, 16 सितंबर से 22 सितंबर तक जो है वो बनेगी बुध के साथ और 16 सितंबर से 30 सितंबर तक मंगल के साथ कन्या राशि। मंगल अस्त एवं मार्गी अवस्था में 6 सितंबर दिन सोमवार को अपनी मित्र राशि सिंह से निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे माह इसी राशि में ही बने रहने वाले हैं। यहाँ पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ रहेगी 22 सितंबर तक, तथा 16 सितंबर से अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ होगी इनकी युति, जैसा हम अभी आपको बता चुके हैं, जो कि माह के अंत तक बनी रहेगी। इसी प्रकार बुध ग्रह जो हैं 22 सितंबर दिन बुधवार को अपनी स्वयं की राशि जो कन्या है जहाँ पर वो विराजमान है वहाँ से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि तुला में उनका प्रवेश होने वाला है उदय और मार्गी अवस्था में, तथा इस राशि में इनकी युति अपने परम मित्र ग्रह शुक्र के साथ बनेगी, जो कि माह के अंत तक बनी रहेगी सितंबर के अंत तक। हालांकि बुध जो है वो 27 सितंबर को वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे माह के अंत में जाकर के। गुरु बृहस्पति वक्री और उदय अवस्था में अपनी सम राशि कुंभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे। शुक्र 5 सितंबर को दिन रविवार होगा अपनी नीच राशि जिस जो कन्या है उसमें फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन ये यहाँ से 5 सितंबर को निकलेंगे अपनी नीच राशि कन्या से और अपनी स्वयं की राशि तुला में इनका प्रवेश होगा। और इस राशि में इनका साथ अपने परम मित्र ग्रह बुध के साथ रहेगा 22 सितंबर से माह के अंत तक। इसी प्रकार शनि वक्री अवस्था में और उदय अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार करते रहेंगे पूरे माह। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में संचार करेंगे पूरे माह और केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार करेंगे पूरे महीने। तो ये थी ग्रहों की गोचर में स्थिति जो रहने वाली है इस सितंबर के महीने में, और इसी के आधार पर ही 12 राशियों के जो जातक हैं उन पर अच्छे और बुरे प्रभाव देखने में आएंगे, जिसका हम चर्चा अब आपसे एक एक राशि के विषय में खोल करके करेंगे डिटेल में। जो लिब्रा असेंडेंट के जातक हैं
यानी कि तुला लगन के जो जातक हैं उनके विषय में। तो देखिए, सबसे पहले व्यवसाय की बात करें आपसे। जहाँ तक व्यवसाय का प्रश्न है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि आप जो तुला लगन के जातक हैं, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। तो शनि की ढैया क्योंकि चल रही है, आपको बहुत संभल करके रहना है। अपना व्यवहार, सबसे पहले तो आप अपने जहाँ कार्य क्षेत्र है उसमें जितने भी आपके सहयोगी हैं, या जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, या जो आपके पदाधिकारी हैं, या अगर आप व्यापार में हैं तो जिनसे भी आप कार्य ले रहे हैं वो, या जहाँ पर आपकी डीलिंग हो रही है जिन पार्टीज़ के साथ उनके साथ, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में जिनके साथ भी जुड़े हैं उन सभी के साथ आपको बहुत अच्छा व्यवहार करना है। बहुत पोलाइटली सबके साथ, गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, वाणी पर भी नियंत्रण रखना है। क्योंकि ये जो महीना है पूरा सितंबर का, एक तो शनि की ढैया, वैसे ही मन दिमाग में परेशानियां और उलझने काफ़ी इधर उधर की चलती रहेंगी, बीच बीच में आता रहेगा ऐसा ऐसा कुछ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। उसके बाद जो आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर भी इसी प्रकार की समस्याएं पैदा होंगी, तो उनको देख करके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनको बहुत ही सहज ढंग से उनका सामना करें और उनको हल करने की कोशिश करें। ये है सबसे बेस्ट तरीका। ज़्यादा उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है, अगर उत्तेजित होंगे तो कार्य और बिगड़ जाएगा, और बिगड़ जाएगा तो तनाव और बढ़ जाएगा, वो तो सब चीज़ें फिर बिगड़ती जाती हैं। तो इसलिए अपने आप को बैलेंस करें और सबके साथ नॉर्मल वे में व्यवहार करके चीज़ों को नॉर्मली, गुस्सा अगर आता भी है तो उसको भी पी जाइए। इस समय ये वक्त की डिमांड है आप तुला लगन के जातकों के लिए। और मेरी ओर से एक बहुत छोटा सा सुझाव है इसी कि आप इस प्रकार का अपना व्यवहार रखें पूरे महीने अपने कार्य क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र हो या कहीं पर भी हो, परिवार के साथ हो, बाहर हो, सोशल सर्किल हो, कहीं भी, क्योंकि शनि की ढैया भी है वो तो वैसे ही परेशान करेगी। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहूँगा कि इस महीने पूरे आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत आकर्षक रहेगा, यानी कि लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज मुझे आपके चार्ट में दिखाई दे रही है। और जहां तक इस बात का सवाल है कि भाई कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याएं आएंगी, सफल होंगे नहीं होंगे, देखिए इस महीने सफलता और असफलता की बात तो दिमाग से निकाल दीजिए। इस महीने तो आप अब ये प्लान करें कि मैंने अपना ये पूरा माह शांति से कैसे निकल जाए, आराम से कैसे निकल जाए, कोई बिना किसी परेशानी, बिना किसी झंझट के, ये आपका मोटिव होना चाहिए इस महीने। क्योंकि शनि जो हैं वो कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है चाहते हैं, और विरोधी भी आपको उकसाएंगे, आपको परेशान करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि ताकि आप एग्रेसिव हों, और जब आप एग्रेसिव होंगे तो आपका काम बिगड़ेगा। तो विरोधी भी कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग आपके पीछे करेंगे, इन चीज़ों से भी आपको सतर्क रहना है। कोर्ट कचहरी में अगर कोई आपका मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, कोई लीगल मैटर है, कोई प्रोसीडिंग्स हैं, वहाँ पर भी आप बहुत सोच समझ करके निर्णय लीजिए। ये समय ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है हमें ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि हम आपसे कह दें कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो भी फैसला आएगा आपके हक में आएगा, ऐसी परिस्थिति नहीं रहेंगी इस सितंबर के महीने में। हर जगह बहुत सोच समझ के, बहुत ठंडे दिमाग से कार्य करना है। मैंने बहुत खोल करके आपको समझा रहा हूँ, आपकी समझ में आ गया होगा बहुत आराम से। आगे बात करें अगर आपकी इनकम की, इनकम कैसी रहेगी, देखिए इनकम की बात मैं कर रहा हूँ तो इनकम आपकी माह के आरंभ से और माह के मध्य के बीच में धन का आगमन रहेगा,
धन को लेकर के कोई समस्या मुझे नहीं दिखाई देती, धन आपके मुट्ठी में रहेगा। हाँ, मध्य के बाद भी धन का आगमन होगा, लेकिन जो स्थिति आरंभ से और माह के मध्य के बीच में रहेगी उतनी मजबूत स्थिति आगे नहीं रहेगी, मैं ये कह रहा हूँ। तो धन के मामले में आप काफ़ी कंफर्ट जोन में रहेंगे। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि धन की सेविंग, वहाँ पर वो आपका, देखिए अगर धन आ रहा है, मैंने कहा कि माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में धन के आगमन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि धन का खर्चा भी आपका बहुत विशेष रूप से रहने वाला है आपके ऊपर। यहाँ पर आपको सतर्क रहना होगा कि भाई धन आ तो गया, अब वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस हाथ से आ रहा है दूसरे हाथ जा रहा है, तो फिर तो उसका आना और नहीं आना बराबर है। तो इसलिए धन का खर्चा अधिक ना हो, अनावश्यक रूप से ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है, धन पर खर्चों पर नियंत्रण रखना है। जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, सुख सुविधाओं में कमी महसूस होगी इस माह अच्छी खासी, क्योंकि आपका अधिकतर समय अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी जो कार्य से संबंधित योजनाएं हैं उनको बनाने में और उनको कार्यान्वित करने में और उनसे संबंधित परिणामों की प्राप्ति करने के लिए ही उसमें जूझने में निकल जाएगा। तो इधर आपका ध्यान बहुत कम जाएगा सुख सुविधाओं की तरफ। अब आपसे प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं और वैवाहिक संबंधों की, जो विवाहित व्यक्ति हैं। तो देखिए, माह के मध्य से जब सूर्य है अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी सम राशि कन्या में जाएंगे और वहां अपने मित्र मंगल के साथ उनका मेल होगा, तो 16 सितंबर से लेके और माह के अंत तक बहुत सुंदर योग बन रहा है। यानी कि जहां पर भी आप रिलेशनशिप में हैं, जो भी आपका फ्रेंड है, मेल या फीमेल, मतलब जो मेल के फीमेल, फीमेल के मेल्स, ये रिलेशनशिप और मतलब मजबूत होगी, प्रगाढ़ होगी माह के मध्य से। और पहले से अगर लिव इन रिलेशनशिप में हैं और मैरिज करना चाहते हैं तो आसानी से ये काम भी हो जाएगा, ग्रहों का पूरा सहयोग आपको मिल रहा है। अगर उसको विवाह में परिवर्तित करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को, तो बहुत आसानी से कर पाएंगे माह मध्य से अंत के बीच। विवाहित व्यक्तियों के विषय में कहना चाहता हूं कि देखिए, विवाहित व्यक्ति जो हैं वैसे तो उनके संबंध आपस में ठीक रहेंगे, लेकिन बीच बीच में कभी कभी थोड़ा तनाव भी आएगा। हालांकि ये तनाव जो होगा बहुत ही टेम्परेरी होगा और बहुत थोड़े से समय के लिए होगा, ऐसे आएगा ऐसे चला जाएगा। लेकिन वैसे अगर कहा जाए तो 70% से ज़्यादा संबंध आपके कॉर्डियल रहेंगे, बहुत ही मधुर रहेंगे। 25 से 30% थोड़ा बहुत नोकझोंक होगी। ये आप विवाहित व्यक्तियों के जीवन का मैंने बताया। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? परिवार के सदस्यों के साथ आपकी तालमेल बनने में मुश्किलात पेश आएंगे। परिवार के सदस्यों के साथ तनातनी या वैचारिक मतभेद, ये इस प्रकार का, यानी कि सामंजस्य सही तरीके से बैठेगा नहीं सितंबर के महीने में। किसी ना किसी बात को लेकर के कुछ ना कुछ, कोई ना कोई छोटा या बड़ा इशू चलता रहेगा। अगर हम बात करते हैं शिक्षा की, छात्रों की, वो कैसा रहेगा? देखिए, शिक्षा में पूर्ण रूप से कमी दिखाई दे रही है, शिक्षा आपकी प्रभावित होती दिखाई दे रही है छात्रों की, किसी ना भी किसी कारण, और शिक्षा प्रभावित हो गई तो परिणाम प्रभावित हो गए। तो आप तुला लगन के जो जातक हैं, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी भी तरह से आपके परिणाम प्रभावित ना हो। इसके लिए आपको कटिबद्ध रहना है और अपनी पढ़ाई की ओर पूरा जितना भी आप कर सकते हैं करिएगा कोशिश। अब मैं संतान की बात कर लूँ कि संतान को कैसा रहेगा माता पिता के लिए, तो देखिए, मैं माता पिता की चिंता भी इस महीने बने रहना स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी संतान ग्रहों के कारण, ग्रहों की स्थिति ऐसी है ही नहीं, सपोर्टिव नहीं है, सपोर्टिंग स्थिति में नहीं है, तो उनकी इस सपोर्ट नहीं मिल पाने के कारण
संतान कोई बहुत अच्छा परफॉर्म उनका नहीं रहेगा सितंबर के महीने में, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या फिर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो उनको रिजल्ट्स जो हैं वो मनमाफिक नहीं मिलेंगे, अनुकूल रिजल्ट्स की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक माता पिता के लिए चिंता का कारण रहेगा थोड़ा बहुत। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए स्वास्थ्य की भी बता दें, छाती से ऊपर के रोग परेशान कर सकते हैं, कफ आदि, कफ गला खराब, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करें? उपाय करें कि एक तो गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें, करना ना भूलें, और मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, और चोला नहीं चढ़ा सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, अंत में आरती करें, प्रसाद चढ़ाएं बूंदी का या बेसन के लड्डुओं का, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, ये कार्य आप करें, और शनिवार के दिन सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके कुछ पैसों के साथ दान कर दें वो तेल। ये उपाय हैं, करके देखिए, सब कुछ ठीक होगा। तो मेरे साथियों, अगर आपको ये राशिफल पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो आसानी से आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।